साइन एक्स प्लस पाई बाई थ्री प्लस थ्री कोस एक्स माइनस पाई बाई थ्री। ध्यान से सुनिएगा, थीटा को देखिएगा, यहां है एक्स प्लस पाई बाई थ्री और यहां है एक्स माइनस पाई बाई थ्री। तो एंगल क्या है, एंगल क्या है सर? एंगल डिफरेंट है सर, एंगल डिफरेंट है। तो क्या करे जाए सर, है ना? तो क्या किया जाए, एंगल इज डिफरेंट। एंगल क्या है आपका, डिफरेंट है, तो वर्क नहीं करेगा। लेकिन किस तरीके से सोल्व किया जाएगा? सॉल्यूशन हर चीज का है, ऐसा नहीं है कि छोड़ा जा सकता है इसको। सर एंगल सेम नहीं आया तो इसको छोड़ दे, नहीं, इसका सेम प्रोसेस, इसका प्रोसेस अलग है लेकिन सोल्व हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा बात को, किस तरीके से हम करेंगे। आपके पास गिवन है वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस पाई बाई थ्री प्लस थ्री कोस एक्स माइनस पाई बाई थ्री। हाँ जी, यहां लगा दीजिएगा साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, यहां लगा दीजिएगा सॉरी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, और यहां लगा दीजिएगा कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला लगाने से क्या नजर आएगा आपके पास, y इक्वल टू साइन ए, साइन ए का मतलब हो गया साइन x, और ये हो गया कोस पाई बाई थ्री प्लस कोस x डॉट साइन पाई बाई थ्री, है ना, प्लस थ्री। आगे वाले को लगा दीजिएगा कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोस ए कोस बी कोस एक्स डॉट कोस पाई बाई थ्री, माइनस है तो यहां प्लस हो जाएगा साइन एक्स डॉट साइन पाई बाई थ्री। हाँ जी, जब इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या नजर आएगा हमारे, वाई इक्वल टू कोस पाई बाई थ्री क्या होता है आपका, कोस पाई बाई थ्री क्या होता है आपका, वन बाई टू साइन एक्स प्लस साइन पाई बाई थ्री क्या होता है आपका, रूट थ्री बाई टू, रूट थ्री बाई टू कोस एक्स। ये आपका ये वाला हो गया है प्लस थ्री कोस पाई बाई थ्री क्या होता है, वन बाई टू कोस एक्स प्लस साइन पाई बाई थ्री क्या होता है, रूट थ्री बाई टू साइन एक्स। हाँ जी, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। मेरे को एक बात सोच समझ के बताना कि साइन के कितने टर्म्स हैं और कोस के कितने टर्म्स हैं। ध्यान से देखेंगे तो हमें नजर आएगा कि साइन की एक टर्म्स यहाँ है, एक यहाँ है, कोस की ये रही और ये रही, है ना। साइन वाले को साइन के साथ कर लीजिएगा, कोस वाले को कोस के साथ कर लीजिएगा, जो एड होने वाला है वो हो जाएगा अपने हिसाब से। तो क्या बनेगा, तो बनेगा वाई इक्व टू साइन का एक साथ करेंगे तो ये देखिएगा एक ये रही एक ये रही। तो यहाँ हम पहले एड कर लेते हैं, वन बाई टू प्लस थ्री से मल्टीप्लाई होगा तो ही हो जाएगा थ्री रूट थ्री बाई टू, और बाहर आ जाएगा साइन एक्स प्लस यहां आपका आएगा रूट थ्री बाई टू प्लस कोस का क्या हो जाएगा, थ्री बाई टू कोस एक्स। अब आप एक चीज नोट करोगे तो आपको देखने में समझ में आएगा कि दोनों का एंगल सेम है। यह आपका हो गया है टोटली ए, यह आपका हो गया है बी। एंगल हमने सेम बना लिया है, जो था नहीं, किस तरीके से हमने बनाया है, ये स्टेप आपको आनी चाहिए। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा नहीं तो बोले तो बहुत अच्छा बोलेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन है, और ज़्यादा इजी भी नहीं मान सकता मैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत सारे बंदों को पता ही नहीं चलेगा कि एंगल सेम है या नहीं, और एंगल सेम नहीं है तो इसका क्या किया जाए। तो इसको आगे सोल्व किया जाए। अब रेंज पूछी है तो रेंज आप बता ही दोगे, क्या बताओगे सर, रूट माइनस में
रूट वन, ये हो जाएगा 1 + 3√3/2 का होल स्क्वायर प्लस √3 + 3/2 का होल स्क्वायर, है ना, कोमा यही आ जाएगा। 16 आप कर ही सकते हो, कोई ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करना है आपको और सोल्व कर सकते हो।